अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सर यासीन है। मैं UMC विद मल्टी मीडिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 का लेक्चर नंबर 15 डिस्कस करेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले हम देखते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन विच कंटेन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ द डिसॉल्व सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इज नाउन एज द डाइल्यूट सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट कम मिकदार में सॉल्यूशन के अंदर मौजूद हो। जैसे फॉर करें, हमारे पास एक गिलास है, हम उसमें एक चम्मच चीनी डालते हैं, वो डिसॉल्व हो जाती है। फर्दर हम एक चम्मच चीनी डालते हैं, वो डिसॉल्व हो जाती है। और मज़ीद थोड़ी सी हम एक चम्मच चीनी डालते हैं, अब हम डिसॉल्व करते हैं तो हल नहीं होती, तो ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन फर्ज करें हमारे पास एक गिलास है, हम उसमें एक चम्मच जो है वो चीनी डालते हैं, वो डिसॉल्व हो जाती है, तो मज़ीद हम दूसरा चम्मच भी डिसॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमने सॉल्यूट उसमें कम मिकदार में डाला है, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कम मिकदार में होता है सैचुरेटेड की निस्बत, ऐसा सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन विच कंटेन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की ज़्यादा मिकदार जो है वो हल कर दी जाती है। जैसे हम एक गिलास पानी लेते हैं, उसमें चीनी को ज़्यादा मिकदार में डिसॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो ऐसा सॉल्यूशन जो है वो कंसंट्रेटेड यानी गाढ़ा सॉल्यूशन। डाइल्यूट का मतलब पतला सॉल्यूशन, यानी जिसमें सॉल्यूट कम डाला गया है और सॉल्वेंट ज़्यादा है, और कंसंट्रेटेड वो सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट भी ज़्यादा मिकदार में डाल दिया गया, तो ऐसा सॉल्यूशन गाढ़ा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, बेसिकली सॉल्यूशन की 9 किस्में होती हैं, 3 गैस के सॉल्यूशन, 3 लिक्विड के सॉल्यूशन और 3 सॉलिड्स के सॉल्यूशन होते हैं। हम पहले आते हैं जी गैस और का गैस में सॉल्यूशन। जैसे एयर है, एयर में मुख्तलिफ गैसेस मौजूद हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस मौजूद है, ऑक्सीजन गैस मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी आर्गन एक्सेट्रा स्मॉल अमाउंट में गैसेज मौजूद है। गैसों का गैसेस में ये एक मिक्सचर की एग्जाम्पल है। इसी तरह मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इन वेदर बलून के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसेस को मिक्स करके यूज़ करते हैं, तो ये भी गैस का गैस में सॉल्यूशन है। इसी तरह मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन सिलेंडर फॉर रेस्पिरेशन, सांस लेने के लिए गोताखोर जब समंदर के नीचे जाते हैं तो वो सिलेंडर के अंदर दो गैसेस यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों गैसों का मिक्सचर भी गैस का गैस में सॉल्यूशन होगा। गैस का लिक्विड में सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन इन वाटर, समंदर के पानी दरिया के पानी में ऑक्सीजन पानी में मिक्स डिसॉल्व होती है, जो जानदार उस ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करते हैं और अपनी ऑक्सीजन की ज़रूरियात पूरी करते हैं। तो ऑक्सीजन का पानी में जो सॉल्यूशन है, तो ऑक्सीजन गैस है, वाटर लिक्विड है, यानी गैस का लिक्विड में सॉल्यूशन। इसी तरह बेंजीन जो है ये टॉलबीन के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, बेंजीन जो है इसका सॉल्यूशन भी गैस का लिक्विड में सॉल्यूशन। इसी तरह गैस के सॉलिड में सॉल्यूशन है, हाइड्रोजन एडजॉर्ब्ड ऑन पलाडियम, पलाडियम सॉलिड है, हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर जज़ब हो जाती है, तो इस तरह ये गैस का सॉलिड में सॉल्यूशन बनता है। लिक्विड के भी 3 सॉल्यूशन है, लिक्विड का गैस में सॉल्यूशन, जैसे है मिस्ट है, फॉग है, लिक्विड है और एयर पोल्यूटेंट है, धुंध वगैरह, ये सारा गैस लिक्विड के गैस के अंदर जो है वो सॉल्यूशन है। लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन भी है, जैसे अल्कोहल लिक्विड होती है और वाटर भी लिक्विड होता है, अल्कोहल को वाटर में मिक्स कर दिया जाए तो ये लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन है। इसी तरह बेंजीन को अगर टॉलवीन में मिक्स कर दिया जाए तो बेंजीन का टॉलवीन में लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन होगा। इसी तरह लिक्विड का गैस में सॉल्यूशन भी होता है, जिसकी मिसाल है मक्खन, बटर जो है और चीज़, ये लिक्विड भी होते हैं और सेमी सॉलिड सॉलिड सब्सटेंसेस भी इसमें मौजूद होते हैं। सॉलिड के भी 3 तरह के गैस के सॉल्यूशन होते हैं, सॉलिड का गैस में, सॉलिड का लिक्विड में और सॉलिड का सॉलिड के अंदर। सॉलिड का गैस में सॉल्यूशन है, जैसे डस्ट पार्टिकल जो है वो डस्ट पार्टिकल सॉलिड होते हैं और हवा में मिक्स होते हैं, और स्मोक इन एयर या धुआं जो है, ये धुआं भी सॉलिड होता है और ये हवा में मिक्स हो जाए तो ये सॉलिड का गैस में सॉल्यूशन है। इसी तरह सॉलिड का लिक्विड में सॉल्यूशन, शुगर जो है ये सॉलिड होती है, इसको आप पानी के अंदर ऐड कर दें, डिसॉल्व कर दें, तो ये सॉलिड का लिक्विड के अंदर सॉल्यूशन बन जाएगा। और इसी तरह सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन भी बनता है, फॉर एग्जांपल मेटल के अलॉय, अलॉय ऐसी शय होती है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा मेटल या नॉन मेटल को आपस में सॉलिड्स को मिला दिया जाए तो वो अलॉय बनता है, जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज है, ओपल है, ये सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन है।